खबर बलिया जनपद के रशरा से है, जहां नगर पालिका परिषद के संविदा और आउटसोर्सिंग सफाई कर्मियों ने पिछले 3 महीने से वेतन न मिलने से नाराज होकर कार्य बंद कर नगर पालिका कार्यालय पर प्रदर्शन किया। सफाई कर्मियों का कहना है कि नियमित सफाई कर्मियों को 3 माह, संविदा कर्मियों को 2 माह तथा आउटसोर्सिंग कर्मियों का 3 माह का वेतन व 7वें वेतनमान का एरियर बोनस का भुगतान अभी तक नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनका परिवार भुखमरी का शिकार हो रहा है। साथ ही बच्चों की देखरेख, इलाज व शिक्षा दीक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इन सभी मांगों को लेकर उन्होंने उप जिलाधिकारी रशा को ज्ञापन सौंपा, अपनी समस्याओं से अवगत कराकर वेतन भुगतान जल्द से जल्द कराने का अनुरोध किया। तो वहीं उप जिलाधिकारी ने बातचीत में बताया कि 1 सप्ताह के अंदर उनका भुगतान करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आंदोलनरत सफाई कर्मियों ने कहा कि यह प्रक्रिया अगले 3 महीनों से चल रही है। उनको कहा जाता है कि अगले सप्ताह आपका भुगतान हो जाएगा, लेकिन 3 महीने से उनका कोई भुगतान नहीं हुआ। सफाई कर्मियों ने और क्या कहा, देखिए यह रिपोर्ट। अच्छा बताइए, राहुल कुमार रावत बोलेगा। आज क्या हुआ कि जो आप लोग सफाई कर्मी सब लोग नगर पालिका गेट पर बैठे हैं? देखिए यहाँ पर तमाम चीजें ऐसा यहाँ पर होता है ना कि आपसे क्या बताएं। यहाँ पर जितने भी सफाई ना के अभद्र तरीके से बातें करते हैं, बोलते हैं, किसी को रेत वगैरह वगैरह सब तरीके से बात करते हैं, लेकिन ये तरीका नहीं है सर। किसी से बात करने का तरीका होता है, लेकिन यहाँ कोई तरीका नहीं है। जब चाहे तब कर्मचारी को बैठा दिया जाता है और प्रताड़ित भी किया जाता है। रही बात यह कि सर यहाँ पर बहुत सी समस्या सामने खड़ी है। यहाँ पर अभी 7वां वेतन नहीं लगा है यहाँ पर, उसके बाद तमाम तरीके से EPF है, GPF है, जितना भी चीज़ है ना मिलता नहीं है सर। बोनस 10 साल पहले मिला था एरियल और बोनस, आज तक नहीं मिला है अभी तक। इस पूरे मामले को लेकर आपने चेयरमैन साहब से कुछ वार्ता की क्या? चेयरमैन साहब तो है नहीं, चेयरमैन साहब का नहीं नहीं इसके पहले भी चेयरमैन थे, आप तो चार्ज पे नहीं है। साल 1.5 साल हो गया, ठीक ना, मतलब चेयरमैन साहब भी आपका 1 महीने का पैसा रोके थे, पीरियड में था ये, पीरियड में था। क्या चेयरमैन साहब क्या कहते हैं? चेयरमैन साहब कुछ कहे नहीं हम लोगों से, कोई कुछ आश्वासन भी कुछ नहीं दिया हम लोगों को। पर्चे बताइए। मेरा नाम रघुवीर रावत बल्ली है, मैं रसड़ा नगर पालिका का सफाई कर्मचारी हूँ। सैकड़ों की संख्या में नगर पालिका गेट पे आप लोग खड़े हैं, क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि हम लोग 3 महीने से तनख्वाह रुक गया है और चौथे महीना में हम लोग चल रहे हैं, अब कोई हम लोग का तनख्वाह उनका मिला नहीं है। इसलिए यहाँ का नगर पालिका का जो यू है वो 1.5 महीना से यहाँ से गायब है, पता नहीं कहाँ गए, जेल गए कि कहाँ गए पता नहीं है। और हम लोग आश्वासन दिया जा रहा है कि अब तनख्वाह दिया जाएगा, कल तनख्वाह दिया जाएगा, 2 दिन रुक जाइए, 4 दिन रुक जाइए, देखते देखते हम लोग 4थे महीने में हिल गए। तनख्वाह हमको 4था महीना चल गया और तनख्वाह अब तक नहीं मिला है। और हड़ताल का कागज़ हम लोग 1 हफ्ता पहले दिए थे, 1 हफ्ता का समय दिए हैं डीएम साहब को नगर पालिका को, और 1 हफ्ता के अंदर भी हम लोग को कुछ मांग पूरा नहीं हुआ है। और आज हम लोग नगर पालिका पर धरना प्रदर्शन कर बैठने आए हैं, बैठे हैं तो वो लोग बोल रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि 2-4 दिन और रुक जाइए। हमारा कहना है कि जब 1.5 महीने में हम लोग को भुगतान नहीं हुआ और 1 हफ्ता का समय भी दिया गया है वो भी भुगतान नहीं हुआ, तो क्या गारंटी है कि अभी हमको हड़ताल तोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं, तनख्वाह दे देंगे आप लोग? SDM साहब अभी आए थे क्या? वो SDM साहब हड़ताल तोड़ने के लिए कह रहे हैं कि 1 हफ्ता का समय दीजिए, तो हम लोग कहें कि हम 1 हफ्ता का समय दिए थे लेकिन अब वो खत्म हो गया है। क्या मंशा आगे, क्या मंशा आगे आपकी, क्या रणनीति है? हड़ताल पर जारी रहेंगे, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है हम लोग हड़ताल तोड़ेंगे नहीं, हम लोग जारी रहेंगे। और जो कुछ बोलो जूता ग्लास जूता वगैरह जो भी है वो कुछ नहीं मिलता है। और नगर पालिका से हम लोग एरियल बनस भी रुका हुआ है और हम लोग का यहाँ से नगर पालिका से प्रताड़ित भी किया जाता है, शोषण भी किया जाता है। प्रताड़ित क्या किया जाता है? किया जाता है हम लोग काम किए हुए भी हम लोग को सफाई नहीं काट देते हैं हाजिरी, और काम नहीं करने पर अगर एब्सेंट हो गए तो धमकी देते हैं बैठाने के, बैठा भी देते हैं 15 दिन 10 दिन 20 दिन बैठा भी देते हैं। कैसे आपकी जीविका कैसे चलती है? चलती है नगर पालिका से चलती है, नगर पालिका के तनख्वाह मिली नहीं।